नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको देंगे कक्षा 10वीं सामान्य विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा पेपर। दोस्तों आपका जो यहाँ पर सोशल साइंस का पेपर होने वाला है, बिल्कुल यहाँ पर 1101% यहाँ पर रियल पेपर है। जल्दी से आप इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले है। हमारा पहला सवाल दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व पश्चिम अंचल में डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। इसको तो लगा लीजिएगा, इसमें हमारा राइट उत्तर आ जाएगा ख वाला, बक्सा टाइगर रिजर्व। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दूसरा देखिएगा, इनमें से कौन सी रबी फसल है। इसका उत्तर लगा लीजिएगा, इसमें हमारा राइट उत्तर आ जाएगा ग वाला, चना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तीसरा देख लीजिएगा, टाइट किस प्रकार का कर है। इसका उत्तर लगा लीजिएगा, इसमें हमारा राइट उत्तर आ जाएगा ग वाला, उपज कर। अब यहाँ पर हमारा चौथा देख लीजिएगा, चौथा दिया हमारा टेली क्या थी। तो टेली क्या थी, इसको तो लगा लीजिएगा, इसमें हमारा ग वाला भूमि कर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पांचवा देख लीजिएगा, निम्न में से कौन सा विषय केंद्र सूची में नहीं है। इसको तो लगा लीजिएगा, इसमें हमारा गड़ी वाला कानून व सुरक्षा। उसके बाद यहाँ पर छठा देखिएगा, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु हो जाने वाले बच्चों का अनुपात कहलाता है। इसको तो लगा लीजिएगा, इसमें हमारा गड़ी वाला शिशु मृत्यु दर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 देखिएगा, इसमें आपको खालिस्तान की पूर्ति करना है। ये भी आपकी परीक्षा में 6 नंबर खालिस्तान पूछे जाने वाला है। तो हमारा पहला दिया है, ऐसी भविष्यवाणी की जा रही है कि विश्व के खालिस्तान लोग 2025 तक जल की कमी को झेलेंगे। इसमें आपको लिखना है पर 20 करोड़ लिखना है। ठीक है, पहले खालिस्तान में आपको 20 करोड़ लिखना है। उसके बाद दूसरा देखिएगा, 1820 ईस्वी से 1914 ईस्वी के बीच विश्व व्यापार में खालिस्तान गुना वृद्धि हो चुकी थी। इसमें आपको लिखना है 20, यहाँ पर 25 से लेकर 40 लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तीसरा देखिएगा, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः खालिस्तान पर आधारित होता है। इसका उत्तर लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा जन्म लिखना है। उसके बाद यहाँ पर चौथा देखिएगा, मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में खालिस्तान ईस्वी में नागरिक अधिकार आंदोलन को चलाया गया। इसको तो लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना है पर चौथे में 1954 लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिएगा, पांचवा दिया हमारा, रेलवे खालिस्तान क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें आपको लिखना होगा सार्वजनिक क्षेत्र आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा छठा देख लिया, भारत में सकल घरेलू उत्पादन के लिए आंकड़ों को एकत्र करने का दायित्व खालिस्तान पर है। इसमें आपको लिखना केंद्र सरकार के मंत्रालय के पास। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लिया, क्वेश्चन 3 में आपको सही जोड़ का मिलान करना है। क्या करना है, सही जोड़ का मिलान कर लेना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाले। तो यहाँ पर सही जोड़ी देख लीजिएगा, मौसमी उद्योग, एल्यूमिनियम, बहुसंख्यकवाद के सिद्धांतों के कारण मृत्यु युद्ध, श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत, विनिर्माण, परिवहन। आपको क्या सही जोड़ का मिलान करना है। तो यहाँ पर इसका आंसर मैं आपको नीचे बता देता हूं, यहां पर देख लीजिएगा। पहले में आपको लगाना है ख वाला चीनी हो जाएगा, दूसरे में आपको ग वाला मतलब गड़ी वाला बक्सर हो जाएगा, और तीसरे में आपको क वाला श्रीलंका, चा वाला हमारा 2009 हो जाएगा, उसके बाद ग वाला और यहाँ पर हो जाएगा हमारा अड़ा वाला। ठीक है, आपको सही जोड़ी को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर सही जोड़ी आपकी परीक्षा में आगे नीचे ऊपर नीचे आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि अलग अलग यहाँ पर जैसे कि 2 सेट आएंगे, इसमें आगे पीछे नीचे हो जाएंगी, इसलिए आपको सही जोड़ी को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा देख लेगा, क्वेश्चन 4 दिया, सत्य सत्य बताइए। जैसे कि हमारा पहला दिया है, राज्य सरकार PWD को सड़कें बनाने एवं मरम्मत का काम सौंपती है। बिल्कुल सौंपती है, हमारा सत्य हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा दूसरा देखिएगा, भारत में 100 भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, हमारा सत्य हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन 3 देख लेगा, सन 2018 तक देश में 50% रेल मार्गों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। बिल्कुल नहीं किया है, यह हमारा असत्य हो जाएगा। इसके साथ चौथा देगा, रोपण कृषि के द्वारा चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि का रोपण किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, हमारा सत्य हो जाएगा। इसके साथ पांचवा देगा, सन 2015 के आंकड़ों के हिसाब से भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बिल्कुल नहीं है, हमारा सत्य हो जाएगा। और छठा देख लिया, जनता के शासन को लोकतंत्र कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है, सत्य हो जाएगा। पांचवा देख लिया, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिख लीजिएगा। यहाँ पर पहला दिया हमारा लोकतंत्र की, आपको 2 विषयता बताना है। इसका उत्तर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। आप दूसरा देख लीजिएगा, नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है। इसके साथ तीसरा देख लिया, एक
व्यक्ति का अपनी प्रतिमा के अनुसार सृजनात्मक जीवन बिताना क्या कहलाता है, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा नीचे। उसके बाद यहाँ पर चौथा देगा, किन्हीं दो समाज सुधारकों के नाम बताइए जिन्होंने जाति रहित समाज के लिए काम किया है। तो इसमें आपको लिखना, पहला आपका महात्मा गांधी लिख देना है, दूसरा आपका विनोबा भावे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद पांचवा देख लेगा, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं, तो इसमें हम कहते हैं शहरीकरण। क्या कहते हैं इसमें? शहरीकरण आपको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा छठा देगा, 1890 ईस्वी के दशक तक कौन सा राष्ट्र औपनिवेशिक ताकत के रूप में उभरा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका आंसर लगा लीजिएगा, ये हमारा पहले क्वेश्चन आंसर हो जाएगा जिसमें आपको लोकतंत्र की दो विशेषता लिखना है, ये हमारी पहली, ये हमारी दूसरी विशेषता हो जाएगी, और दूसरे में आपको लिखा लोकतंत्र लिखना है, तीसरे में आपको सृजनात्मकता लिखना है, चौथे में आपको महात्मा गांधी विनोबा भावे लिखना है, पाँचवें आपको शहरीकरण लिखना है, और छठे में आपको अमेरिका लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा पार्ट वन कम्प्लीट हो गया, जल्दी हम यहाँ पर पार्ट टू यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आपके कितने 23 तक, ठीक है। तो जल्दी से आप इनको अच्छे से रख लीजिएगा, ठीक है, और इस वीडियो को किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ठीक है। आप ही सभी में आप पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब जय हिंद वंदे मातरम।